ट्रिम कमांड को यूज करने के लिए हमने क्या किया कि मल्टीपल लाइंस लगाई हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से टी आर टाइप करेंगे, टी आर टाइप करेंगे तो कमांड लाइन पे आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिस पे आपने ट्रिम कमांड को इंप्लीमेंट करना है उनको सेलेक्ट करो। लेट सपोज हमने सिर्फ इस दो लाइनों पे इंप्लीमेंट करना है, इसको और इसको, ठीक है। या मिसाल के तौर पे हमारे पास यहां पे दो लाइंस हैं, ठीक है, टी आर फॉर ट्रिमिंग, इन दोनों लाइंस पे मैंने ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट करनी है, ग्रीन सिलेक्शन यूज की, राइट क्लिक किया, ये बार कौन खड़ा है, हम यहां पे थे ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट कर रहे थे, ट्रिम कमांड को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कीबोर्ड से टी आर टाइप किया, एंटर किया और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई तो आपने फिर राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा या नहीं पूछेगा तो आप मैनुअली जो लाइंस आपको नहीं चाहिए, जो लाइंस आपको नहीं चाहिए, लेट सपोज ये लाइन गई हुई है, और दूसरा रूल जो लाइन जहां पे कट हो रही है उस लाइन की दूसरे साइड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये साइड डिलीट होगी, ये साइड आप क्लिक करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि इसका दूसरा पोर्शन उस दूसरी लाइन पे नहीं है। ट्रिम कमांड को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल ये है कि अगर आपके पास लाइन मौजूद है, एक लाइन जहां पे उसको ट्रांस वो कट कर रहा है, वो इंटरसेप्ट कर रहा है, ये लाइन अब इंटरसेप्ट हो रही है यहां पे इस पॉइंट पे, तो इसका कुछ हिस्सा यहां पे है, कुछ हिस्सा यहां पे है, इस लाइन का हिस्सा यहां पे कुछ मौजूद नहीं है लेकिन ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे टी आर इंप्लीमेंट करने के लिए टाइप करेंगे एंटर, ट्रिम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करें, अब वो लाइन सेलेक्ट करने हैं जो हमें नहीं चाहिए। अगर हमने ये इसको क्लिक किया इस साइड को तो इस लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहां पे ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं टी आर एंटर इन सारी लाइंस पे, ठीक है, राइट क्लिक किया, ग्रीन सिलेक्शन की हेल्प से मैंने फालतू लाइनों को मिटा दिया, ठीक हो गया। अब ये लाइन जो जा रही है यहां पे कट हो रही है ना, यहां पे कट हो रही है, इंटरसेप्ट हो रही है ना, ये लाइन इसको इंटरसेप्ट कर रही है ना, इस लाइन को, ये लाइन भी इसको इंटरसेप्ट कर रही है, तो अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये यहां से डिलीट होगा, ए पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, इंटरसेप्शन पॉइंट्स के तक, ठीक है ना, समझ आ रही है। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये कौन से पॉइंट्स कहां कहां से कहां तक डिलीट होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर इसको क्लिक करूं तो कहां से कहां तक डिलीट होगा, कौन सी लाइन तक, इस तक, यहां तक, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो कहां से कहां तक डिलीट होगा, यहां तक, यहां तक, ठीक हो गया, समझ आ रही है। अच्छा, इन इन लाइंस को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो इस तरह कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा जी। ग्रीन सिलेक्शन जो है इस साइड से जब जाएंगे तो ग्रीन सिलेक्शन हो गया। अब ये ट्रिम कमांड हम यहां पे यूज करेंगे, टी आर बातें ना करें, टी आर टाइप करें और एंटर प्रेस करें। अब इन चार लाइनों पे हमने ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट करनी है, एक दो तीन चार, ठीक है, टी आर एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक। अब जो लाइंस हमें नहीं चाहिए, हमें ये दो नहीं चाहिए, ये दो नहीं चाहिए, आवाज ना निकाले, अभी जिसने आवाज निकाली बाहर निकाल दूंगा। इसको मैं सेव करता हूं, नहीं समझ आई, टी आर सिंगल लाइन सेलेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक, वो लाइंस जो हमें नहीं चाहिए उनको सेलेक्ट,
नहीं समझ आ रही। अब हमने क्या करना है, सर्कल से खराब होता है। अब हमने यहां डोर बनानी है, ये चीज तो कट गई, अब हम यहां पे डोर का सिंबल डिस्प्ले करेंगे। डोर के सिंबल को डिस्प्ले करने के लिए हम एल कीबोर्ड से टाइप करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट से इस डायरेक्शन में लाइन के पॉइंटर जो है माउस का पॉइंटर इस डायरेक्शन में ले जाके एक इंच या दो इंच के फासले पे एंटर करना है। फिर अपना माउस का पॉइंटर ऊपर की डायरेक्शन में लेके एक हाई लेंथ की लाइन लगानी है, ठीक है, लगा ली। अब एस्केप प्रेस करें, फिर सी टाइप करें कीबोर्ड से फॉर सर्कल। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है, कहां से, यहां से। एस्केप प्रेस करके फिर टी आर प्रेस करें, टी आर अगेन ट्रिम कमांड, वो यहां पे इंप्लीमेंट होगी जिस पे हमने इंप्लीमेंट करना है उन पॉइंट्स को, उन लाइंस को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन है उसको भी हमने सेलेक्ट करना है, देखें ये पतली सी लाइन गई भी ना, तो इसको भी सेलेक्ट करने के लिए हमने ग्रीन सिलेक्शन यूज करना, ठीक है, और इसको हमने सेलेक्ट करना है। बाकी किसी चीज को मैंने सेलेक्ट किया नहीं किया ना, तो हमने इस पे इंप्लीमेंट करना है ट्रिम कमांड। फिर राइट क्लिक करना है, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, आपकी डोर बन गई यहां से, ठीक है। दोबारा देखें हमने क्या किया, सिंपल ये चीज हमने बनाई, एल टाइप करें, दिस पॉइंट 2 इंचेस एंटर, इस डायरेक्शन में यहां से स्ट्रेट लाइन लगाएं। अच्छा स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लगती, देखें अब किसी एंगल में भी आप लाइन लगा सकते हैं। इसमें एक कमांड थी, मैंने करवाई अर्थ ऑन अर्थ ऑफ, हाँ तो अर्थ ऑन अब ऑफ है, तो यहां पे अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगे तो इस यहां पे आप अर्थ ऑन F8 से ऑन कर दें, उसके बाद लाइन कमांड की हेल्प से लाइन लगाएं, 2 इंच एंटर, अपवर्ड डायरेक्शन एनी पोजीशन पे क्लिक करें, फिर एस्केप प्रेस करें, यहां से फिर सर्कल ड्रॉ करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर एस्केप प्रेस करके टी आर टाइप करें, ये दोनों लाइंस और ये लाइन सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें। अब इसको हमने क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करना, अब ये लाइन यहां पे तो कट हो रही है लेकिन हमारी ट्रिम की जो सिलेक्शन है वो कहां कौन कौन सी लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो हमने ट्रिम कमांड इंप्लीमेंट की सिर्फ इस पतली सी लाइन पे और इस सर्कल पे और इस लंबी सी लाइन पे। तो अब अगर हम यहां पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी ट्रिम कमांड में मौजूद है, ये लाइन भी हमारे ट्रिम कमांड में इन्वॉल्व है। अगर हम इसको यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां से यहां तक ये ट्रिम हो जाएगा इन लाइंस को इग्नोर करने के साथ साथ, ठीक है। ये ट्रिम करने का सही तरीका है, और तरीके भी हैं लेकिन वो ठीक नहीं है, इस पे आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहां पे हमने एक विंडो बनानी है, क्या बनाना है, विंडो बनानी है हमने। और तो यहां पे स्नैप सेटिंग में हमने कुछ सेटिंग की थी, सिलेक्ट ऑल, यहां पे सेंटर आपको शो कर रहा है, तो अब हमारे लाइन का सेंटर कहां पे है, ये हमारी लाइन का सेंटर है। इंटरनल लाइन से हमने हर चीज को बनाना है, एक्सटर्नल लाइन से नहीं। ये ट्रायंगल जब आ जाएगा, और क्यों आएगा, क्योंकि आपने स्नैप सेटिंग यहां पे पहले से की होगी, ठीक है ना। अब हम लाइन टाइप करके यहां से यहां तक लाइन टाइप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऑफसेट करें। अब कितना फासला है, लेट सपोज हमने 5 फुट या 10 फुट की खिड़की बनानी है, तो एक साइड पे 5 फुट के फासले पे ऑफसेट कॉपी ले लेंगे, दूसरी साइड पे 5 फुट के फासले पे ऑफसेट कॉपी ले लेंगे, ऑफसेट 5 फीट एंटर, वन साइड अनदर साइड, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, टी आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ठीक हो गया। अब हम यहां पे खिड़की बनाएंगे, खिड़की का सिंबल है मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लाइन एक कमांड है उसको बाद में डिस्कस करेंगे वो किस तरह इंप्लीमेंट होती है, फिलहाल सिंगल लाइंस के हेल्प से हम क्या करते हैं। अच्छा ये 9 इंच की दीवार है, 9 इंच की है ना, हम क्या करते हैं ऑफसेट,
तीन इंच और ऑफसेट 3 इंच, ये सिंबल है विंडो का। ये कमरा हमारा तैयार हो गया, फालतू चीजें हम डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग कलर देने हैं बाय द हेल्प ऑफ लेयर्स, बाय द हेल्प ऑफ लेयर्स। यहां पे जब हम क्लिक करेंगे, ये क्या है, लेयर प्रॉपर्टी है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर खुलेगा। ठीक है, हमने यहां पे 3 लेयर्स डालने हैं, 1, 2, 3। इसको हम रीनेम कर देते हैं, इसमें न्यू, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट या कैंसिल कर दें, दोबारा आते हैं, न्यू लेयर वॉल्स डोर्स, ठीक है, विंडोज, ठीक है। वॉल्स के कलर को हमने बाय डिफॉल्ट रेड देना है, स्टैंडर्ड कलर है इसका, ठीक है। डोर्स का स्टैंडर्ड कलर ग्रीन है, विंडोज का स्टैंडर्ड कलर ब्लू है। अप्लाई क्लोज। तो हमने क्या करना है, वॉल्स को हमने डाल देना है वॉल्स में बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन सिलेक्शन, वॉल्स ब्लू सिलेक्शन। यहां पे भी देखें ब्लू सिलेक्शन काम आ रही है ना, अब ये है क्या है, विंडो है, डोर, ये आपका कमरा तैयार हो गया। अब इसके हम डायमेंशन शो करना चाहते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो आपकी डायमेंशन की इसकी सेटिंग दोबारा करेंगे, मॉडिफाई प्राइमरी डेसिमल आर्किटेक्चर फिट टेक्स्ट टेक्स्ट हाइट 1 फीट, प्राइमरी यूनिट में भी एरो का साइज, ठीक हो गया, समझ आ गया यहां तक, आज के लिए यहां तक काफी है।